तो ये चैप्टर नंबर 10 है, ये है वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम फाइंड करेंगे पॉइंट एस्टीमेट, हम एक सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के हम आगे डिस्कशन में जाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ओपन करता हूँ जी, कि इसका इंट्रोडक्शन अगर हम इसको समझना चाहें कि वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, तो इसकी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई है, मैं वो स्टेटमेंट्स पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे। कहता है जी, द मीन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स पासिंग माइल्स माइल पोस्ट 150 ऑन द वेस्ट वर्जीनिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ, इज 68 माइल्स पर आवर। वो कहता है कि जो है ना, या कह ले कि मीन स्पीड ऑफ सुजुकी कार इज 68 माइल्स पर आवर, के जो सुजुकी की ऑन एवरेज जो स्पीड है वो 68 माइल्स पर आवर है। ये उसने एक हमें स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहता है कि एक गाड़ी है सुजुकी की, उसकी ऑन एवरेज स्पीड 68 माइल्स पर आवर है। हमने इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या स्टेटमेंट ठीक नहीं है। मीन हमने इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यू हमें दी जा रही है। सिंगल वैल्यू क्या दी जा रही है? 68 माइल्स। 68 माइल्स जो है उस गाड़ी की ऑन एवरेज स्पीड है। हमने चेक करना है क्या सुजुकी की 68 पर माइल्स 68 माइल्स पर आर स्पीड है या नहीं है। हमने चूंकि एक वैल्यू की वैलिडिटी को चेक करना है, हमने एक वैल्यू की जो एक एक वेरिएबल की जो वैल्यू है, हमने उसकी चेक करना है कि ये अथेंटिक है या अथेंटिक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जो है वो पॉइंट एस्टीमेट। हम पॉइंट एस्टीमेट वाला मेथड यूज करेंगे। कोई एक वैल्यू है, हम कहते हैं ये एक पॉइंट है, तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टीमेशन के अंदर ये आएगी, उसकी एग्जाम्पल के अंदर आएगी। एक और एग्जाम्पल दी गई है, द मीन नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन बाय दोज लीजिंग फॉर 3 ईयर्स इज 32,000 माइल्स। ठीक है, कि एक जो है ना, उसने कहा है कि जी लीजिंग कंपनी है, वो 3 साल के लिए जो है 32 माइल्स तक जो है वो ऑन एवरेज, उसने कहा है गाड़ी जो है वो इतनी चलती है, 32,000 माइल्स तक 3 साल में गाड़ी जो है चलती है, जो एक खास लीजिंग जो है कंपनी से वो लीज हो रही है। ये एक स्टेटमेंट है। या हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मीन टाइम एन अमेरिकन फैमिली लिव्स इन ए पर्टिकुलर सिंगल फैमिली ड्वेलिंग इज 11.8 ईयर्स। वो कहता है कि ये ऑन एवरेज जो अमेरिकन फैमिली है वो सिंगल फैमिली के अंदर जो है तकरीबन जो है 11.8 ईयर्स तक टाइम गुजारती है। अब इसके अंदर भी देखें तो हम सिंगल वैल्यू में दी गई है 11.8 ईयर, इसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट एस्टिमेट है। नेक्स्ट अगर ले ले, ज़्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो हमें दी जा रही है वो ये है। उसमें वो कहता है कि द मीन द 2010 मीन स्टार्टिंग सैलरी फॉर ए ग्रेजुएट ऑफ ए 4 ईयर कॉलेज इज 47,673 डॉलर्स। वो कहता है कि 2020 के अंदर, या ये कह लेंगे, ये चले हम इसको सिंपल समझते हैं, कि जो एक कॉलेज 4 ईयर कॉलेज ग्रेजुएट होता है, मीन जिसने BS किया होता है, उसको ऑन एवरेज जो स्टार्टिंग सैलरी है 47,673 डॉलर्स जो है ऑन एवरेज मिलती है। ये एक पॉइंट एस्टिमेट है। पॉइंट एस्टिमेट में ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी बात कर रहे हैं एक सिंगल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मीन सैलरी जो है कॉलेज BS इकोनॉमिक BS ग्रेजुएट की जो एवरेज सैलरी है वो 47,000 है, ये इसकी एक मीन जो है वो वैल्यू है, इसलिए हमने कहा कि ये पॉइंट एस्टिमेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 35% ऑफ रिटायरीज इन द अपर मिडल वेस्ट, अच्छा जी, सेल दियर होम एंड मूव टू ए वार्म क्लाइमेट विद इन 1 ईयर ऑफ दियर रिटायरमेंट। कहता है कि जी जो 35% जो है ना, जो लोग रिटायर होते हैं वो तकरीबन कितने ऐसा रहते हैं जी, वो ये कहता है कि 35% जो रिटायरीज हैं वो अपना घर सेल कर देते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट के बाद वो किसी वार्म क्लाइमेट, मीन जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है वहाँ पर मूव कर जाते हैं रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर। 35% जो लोग रिटायर होते हैं, ये 35% क्या है, एक पॉइंट एस्टिमेट है।
एक सिंगल वैल्यू है जिसको हमने बताना है कि क्या ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जी, 80% ऑफ दोज हु रेगुलरली प्ले दी लॉटरीज नेवर विन मोर देन $100 इन एनी वन प्ले। ये भी एक उसने पॉइंट एस्टीमेट एक सिंगल वैल्यू के बारे में बताया है। अब हम जरा थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैं ये जो वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हम सपोज करते हैं कि जो भी पीएचडी इकोनॉमिक्स करता है उसको 2 लाख रुपए पर मंथ की जो है सैलरी ऑन एवरेज मिल जाती है। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हमने पीएचडी स्टूडेंट्स को किया है एड्रेस, और हमने कहा कि उनको पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो है 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी जो है वो ऑन एवरेज मिल जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट एस्टीमेट। हम इसे पॉइंट एस्टीमेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है वो सिंगल वैल्यू के बारे में की है। सिंगल वैल्यू कौन सी है, 2 लाख पर मंथ सैलरी, ये एक सिंगल वैल्यू है। और इस स्टेटमेंट को हमने करना है वेरीफाई कि क्या पीएचडी इकोनॉमिक्स करने के बाद 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है या सैलरी नहीं मिलती। इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है, क्योंकि हम इसके अंदर सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। सिंगल पॉपुलेशन क्या मतलब, कि हम सिर्फ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने जो डेटा लेना है सिर्फ पीएचडी इकोनॉमिक्स से लेना है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी, 1। तो 1 पॉपुलेशन से जब हम सैंपल लेंगे इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, तो वो सैंपल क्या कहलाएगा, 1 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जिस जो हमने चैप्टर ऊपर देखा, चैप्टर का टाइटल है। अगर मैं एक और स्टेटमेंट दूं, वो स्टेटमेंट ये देता हूँ कि जो पीएचडी इकोनॉमिक्स करता है उसकी सैलरी ज्यादा है उससे जो पीएचडी इस्लामिक स्टडीज करता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कितनी पॉपुलेशन हैं, 2। एक वो पॉपुलेशन है। इस स्टेटमेंट में के अंदर कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, एक वो लोग हैं जो पीएचडी इकोनॉमिक्स करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो पीएचडी इस्लामिक स्टडीज करते हैं। हम जी कहते हैं कि पीएचडी इकोनॉमिक्स जो ग्रेजुएट हैं उनको ज्यादा पे किया जाता है एज कम्पेयर टू पीएचडी इस्लामिक स्टडीज ग्रेजुएट्स। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। तो ये जो भी हमने एग्जांपल दी कि पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट जो है वो पीएचडी इस्लामिक स्टडीज से अर्न ज्यादा करते हैं, तो इसमें 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स वाले और दूसरे पीएचडी इस्लामिक स्टडीज। मीन्स अगर हम देखें तो इसमें 2 पॉपुलेशन है, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स की और दूसरी पीएचडी इस्लामिक स्टडीज की। तो यहाँ पे अगर हम सैंपल लें तो हम 2 सैंपल लेंगे, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स से और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज से, ताकि हम ये जो स्टेटमेंट है इसको वैलिड इसकी वैलिडिटी चेक कर सकें कि क्या वाकई पीएचडी इकोनॉमिक्स ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं एज कम्पेयर टू पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़। तो अब इसमें हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, 2। कितने सैंपल आएंगे, 2, जबकि जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है इसके अंदर कितने सैंपल हैं, 1। तो जो सेकेंड हमने जो इसके अंदर डिस्कशन की है ये पीएचडी इकोनॉमिक्स और इस्लामिक स्टडीज के कंपेरिजन को, तो ये हमारी जो हमारी डिस्कशन हो रही है इस वक्त उससे ये मुख्तलिफ है। जैसे हमने कहा कि पीएचडी इकोनॉमिक्स जो है ग्रेजुएट्स वो 2 लाख पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, 1। कितना सैंपल आएगा, 1 सैंपल आएगा। इसलिए हमने इस चैप्टर का टाइटल दिया है 1 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी 1 है, सैंपल भी 1 है। अब हमने करना क्या है, हम जो भी स्टेटमेंट देंगे, जैसा मैंने स्टेटमेंट दी कि पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए है ऑन एवरेज, इस स्टेटमेंट की हमने वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं कि वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये स्टेटमेंट कहलाती है एक हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस मैंने दिया जी, कि पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज ऑन एवरेज ₹2 लाख। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई कर सकें उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि वो हाइपोथेसिस है। डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब पॉपुलेशन पैरामीटर कौन सा है, हमारी एग्जांपल में 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जो हमने कहा है ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, क्योंकि हमने कहा कि
पीएचडी इकोनॉमिक्स जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सारे ही 2 लाख रुपए कम से कम सैलरी ले रहे हैं। तो ये क्या है? पॉपुलेशन का पैरामीटर। हमने पॉपुलेशन के बारे में ये स्टेटमेंट दी है, तो हमने पॉपुलेशन के इस पैरामीटर को वेरीफाई करना है सैंपल लेते हुए। जरी बात है, पीएचडी इकोनॉमिक्स तो कब से नहीं होंगे, हम सबसे इंफॉर्मेशन लेके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हमें जारी बात एक सैंपल लेना पड़ेगा, हम सैंपल से पूछेंगे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि स्टेटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये है हाइपोथेसिस। अब हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। इस हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमने ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। ये एक प्रोसीजर है। किस पे बेस करता है ये प्रोसीजर? सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे ये प्रोसीजर जो है बेस करता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है जिसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट वो ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर एक और वर्ड यूज किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी। इसको हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसके कुछ स्टेप्स हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं? ये 5 स्टेप्स प्रोसीजर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ये स्टेप्स हमारे सामने ये एक फिगर के अंदर शो हो रहे हैं। स्टेप 1 है जी कि हमने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताना है। स्टेप 2 है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना है। स्टेप 3 है कि हमने जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताना है। स्टेप 4 है कि हमने डिसीजन रूल बताना है। स्टेप 5 है कि हमने डिसीजन बताना है एक्चुअली डिसीजन आता क्या है। खैर, ये कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको जरा डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। जिसका यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 क्या है, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर हम शो करते हैं एच नॉट से। एच के साथ छोटा सा जीरो लगा देते हैं, ये ऊपर हम देख सकते हैं। एच के साथ छोटा सा जीरो लगाया, ये क्या बन गया? नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कैसे शो करते हैं? H1 से। H1, एच के साथ छोटा सा 1 लगा देते हैं, सबस्क्रिप्ट में ही हम कहते हैं कि ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेट्स सपोज ये मैंने स्टेटमेंट दी कि पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की ऑन एवरेज जो पर मंथ सैलरी है वो 2 लाख रुपए है। ये एक स्टेटमेंट है। ये नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसको हम देखते हैं कि ये है हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस। इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है कि पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि नल और ऑल्टरनेटिव एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस कहता है कि एक स्पेसिफिक इवेंट है, तो ऑल्टरनेटिव कहेगा कि वो नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दी है। लेट्स सपोज हम इसकी एग्जाम्पल जरा बुक से जरा पढ़ लेते हैं। अब इसने एक स्पेसिफिक यहाँ पर टर्म यूज की है, नो डिफरेंस। नो डिफरेंस कि जब हम नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्डिंग यूज करते हैं नो डिफरेंस की। जैसे अगर ये यही स्टेटमेंट अगर मैं आप जो मैंने अभी कही कि ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज ₹60,000, 60,000, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी। अगर मैं इसको स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि ऑन एवरेज सैलरी ऑफ पीएचडी ग्रेजुएट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ₹2 लाख। अब ये स्टेटमेंट है कि ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ नहीं है किससे? 2 लाख से। मतलब क्या हुआ? 2 लाख के बराबर है। जो पहले मैंने स्टेटमेंट दी वो मैंने दी सिंपल वर्डिंग में जिस तरह हम बात करते हैं, लेकिन जब हमने वही बात स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में हमने की तो हमने कहा कि जी के ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। इसका मतलब ये है कि 2 लाख से मुख्तलिफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख के बराबर है। अगर यहीं पे मैं लिखना चाहूँ इस स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस तो है ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। अगर मैं इसी की दूं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन H1, तो मैं लिखूंगा ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख, इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख, इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख का मतलब ये है कि 2 लाख से मुख्तलिफ है।
2 लाख से मुख्तलिफ होने का मतलब दो है कि 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और 2 लाख से कम भी हो सकती है। दो सिचुएशन आ सकती हैं कि ठीक हो गया। तो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम लिखेंगे, तो हम जो है जो हमने स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में एक डिफरेंस देखा कि हमने नॉट डिफरेंट फ्रॉम ये वर्ड हमने यूज किया स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में जब हम बना रहे थे नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, तो अब हमने देखा कि यही जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी कि 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और 2 लाख से कम भी होती है और हो सकती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने बनाया इसका मतलब यही है कि ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि 2 लाख नहीं है, 2 लाख से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होने का दो मतलब है कि 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और 2 लाख से कम भी हो सकती है ये पर मंथ सैलरी। तो अब इस किस्म की सिचुएशन में जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की आउटकम दो हो, देखें यहाँ पे अभी जो हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो बात की इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और 2 लाख से कम भी हो सकती है ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी। अब इस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज दो हैं कि 2 लाख से ज्यादा होना इनकम का या 2 लाख से कम होना। तो इसे हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो टेल्स हैं टेल्स वो टू हैं। टू टेल्स हमने क्यों कहा, क्योंकि ज्यादा भी ज्यादा होने के भी चांसेस हैं और कम होने के भी चांसेस हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये है टू टेल टेस्ट। इस ये जो हमने स्टेटमेंट बोली है स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये है टू टेल टेस्ट जिसकी टू टेल्स हैं। अब एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट हम ये बोलते हैं कि जो पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स हैं उनकी पर मंथ जो सैलरी है वो 2 लाख से ज्यादा है। ये एक स्टेटमेंट है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स की पर मंथ सैलरी 2 लाख से कम है। अब इस ऑल्टरनेटिव को अगर हम लिखना चाहें नल और ऑल्टरनेटिव की फॉर्म में, इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहें नल और ऑल्टरनेटिव की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज मोर देन 2 लाख। ये क्या है, नल हाइपोथेसिस। अगर हम लिखेंगे इसी को दूसरी सेंस में ऑल्टरनेटिव अगर स्टेटमेंट लिखेंगे अगर हम इसी की, तो हम लिखेंगे ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज लेस देन 2 लाख। क्योंकि नल और ऑल्टरनेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, नल में है ग्रेटर देन तो ऑल्टरनेटिव में आना है लेस देन। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका ऑल्टरनेटिव का पॉसिबल आउटकम क्या है, लेस देन 2 लाख, एक ही है, सिंगल है। मींस अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता, नल हाइपोथेसिस जो है कि इज ग्रेटर देन 2 लाख, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा। ऑल्टरनेटिव क्या है, लेस देन 2 लाख। तो पॉसिबल आउटकम कितनी है, सिंगल, कि अगर पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की 2 लाख से ज्यादा नहीं होती तो 2 लाख से कम होगी। तो पॉसिबल आउटकम कितनी है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, सिंगल। तो इसे हम कहते हैं कि ये है वन टेल टेस्ट। इस किस्म की स्टेटमेंट के लिए जो टेस्ट यूज होगा वो होगा वन टेल टेस्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वन टेल टेस्ट की स्टेटमेंट है। खैर इसको हमने आगे डिस्कस करना है, अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। तो नल हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे, अगर तो आएगा इक्वल टू का साइन, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट दी कि 2 लाख रुपए है तो हम लिखेंगे कि ऑन एवरेज पर मंथ सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। इसको ऑल्टरनेटिव लिख लेंगे इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख, ठीक है, वो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये सारी चीजें देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट उसने लिखी नहीं है। तो जाहिर बात है अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगा तो उसकी दूसरी साइड जो है ऑल्टरनेटिव की तरफ हम जाएंगे, उस स्टेटमेंट को हम बढ़ेंगे। तो बहरहाल नल हाइपोथेसिस को हम जरा पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, इट इज स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर। 2 लाख रुपए हमारी एग्जाम्पल में पॉपुलेशन पैरामीटर कितना है, 2 लाख। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जो डेवलप की गई है फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग न्यूमेरिकल एविडेंस। हम न्यूमेरिकली एविडेंस लेते हुए इस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को हम टेस्ट कर सकें, ऐसी स्टेटमेंट कहलाती है नल हाइपोथेसिस। अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है, ए स्टेटमेंट
that is accepted if the sample data provides sufficient evidence that the null hypothesis is false. अगर ये स्टेटमेंट जो है ऑल्टरनेटिव ये एक्सेप्ट हो सकती है, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो सकता है अगर हमारे पास डेटा के अंदर ऐसा एविडेंस मौजूद है कि जो एविडेंस नल हाइपोथेसिस को फॉल्स कर रहा है, गलत कर रहा है। दूसरी बात है अगर नल फॉल्स होगा तो ऑल्टरनेटिव ट्रू होगा। तो ये हमने ऑल्टरनेटिव और नल की हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट देखी और हमने इसको देखा। अब लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमने 2 लाख रुपया लिखना है ना इसको। अब पूरी स्टेटमेंट तो नहीं हम लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एच नॉट, ये एग्जांपल मैं सामने शो कर रहा हूँ कि ये उसने कहा एक एच नॉट डबल डॉट लगा हुआ, सेमी कॉलन लगा हुआ, म्यू लिखा है। म्यू किसको शो करता है? पॉपुलेशन पैरामीटर को। हम यहाँ म्यू यूज किया करेंगे। म्यू इज इक्वल टू 15 की जगह पे हमने चूंकि स्टेटमेंट 2 लाख लिखा है तो मैं एच नॉट अगर लिखूंगा अपना तो मैं लिखूंगा एच नॉट सेमी कॉलन म्यू इज इक्वल टू 2 लाख। मैं इसको वर्ड की फाइल खोल के अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा। ये जी हम स्टेप वन लिखेंगे, जब हम सोल्यूशन कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे स्टेप वन, उसके अंदर लिखेंगे सेमी कॉलन लगा के नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हमें स्टेटमेंट्स ऊपर देनी है जिसका हमें लिखा है बुक में, देखा है कि बुक में स्टेप वन क्या था, स्टेट्स नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जी हमने नल और हाइपोथेसिस लिखने, तो मैं लिखता हूँ जी एच नॉट सेमी कॉलन क्या लिखता हूँ, ये म्यू। म्यू यहाँ पे किसको शो कर रहा है? म्यू यहाँ पे शो कर रहा है जी उसको, म्यू यहाँ पे शो कर रहा है पॉपुलेशन पैरामीटर को। ये म्यू इज इक्वल टू 2 लाख। अब ये इसका मैं एच नॉट जरा ये ठीक कर लेता हूँ। फिर जी इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? एच वन। एच वन में हम लिखेंगे वही म्यू जो है इज नॉट इक्वल टू, म्यू इज नॉट इक्वल टू 2 लाख। ये हमने नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख दिया। अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं नल हाइपोथेसिस को लिख सकता हूँ। मैं लिख के दिखा देता हूँ कि एवरेज सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रुपीज 2 लाख पर मंथ। ये मैंने जी अपने जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हमने लिखा नल हाइपोथेसिस में लिख देता हूँ जी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको ऐसे ही करें, इज डिफरेंट फ्रॉम 2 लाख। अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। भाई या तो 2 लाख से ज़्यादा होगी या 2 लाख से कम होगी। अगर डिफरेंट है तो इसे हम कहते हैं कि ये है टू टेल्ड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहलाता है टू टेल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि इसकी 2 डिफरेंट टेल्स हैं, एक इंक्रीज की तरफ जा रही है एक डिक्रीज की तरफ जा रही है। खैर इसमें आगे डिस्कस करना है इसको हम कैसे कर सकते हैं फर्दर। अच्छा ये हमारा है स्टेप वन। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ बुक की तरफ स्टेप टू देखने के लिए कि अब स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू में हमें क्या चूज करना है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या शो करता है कि वही जो हमने अभी डिस्कस किया पिछले टॉपिक में कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो क्या होगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। ये है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन जरा देख लें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हमने वही एक हमने चूज करना है कॉन्फिडेंस लेवल, ये सिग्निफिकेंस लेवल। इसको यहाँ पे नाम यूज किया गया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि जो स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को चेक करते हुए हम कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं या उसका कितने परसेंट हम रख रहे हैं उसके एक्सेप्ट वो प्रोबेबिलिटी हम कितनी रख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है या ये स्टेटमेंट ठीक है। सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको समझना चाहें, इसको हम नॉर्मली शो करते हैं अल्फा से। हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो करते हैं अल्फा से, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 0.01 हो सकती है। 0.01 का मतलब ये है कि कितने परसेंट इसमें कॉन्फिडेंट हैं हम? 99%। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये 0.05 हो सकता है। 0.05 का मतलब ये है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं? 95%। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10 हो सकता है। 0.10 का मतलब ये है हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं? 90%। तो ये हमने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना है जिसको हम अल्फा से शो करेंगे। अब मैं वर्ड की फाइल में आपको इसको
लिख के दिखाता हूँ कि ये है हमारा जो कि स्टेप टू। तो हम लिखते हैं जी, स्टेप टू में हम लिखते हैं जी के टू चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करते हैं, हमने सिर्फ यहाँ लिखना है कि अल्फा इज इक्वल टू, ये आ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं जी हमने यहाँ से चूज करना है जी अल्फा इज इक्वल टू 0.01, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे 0.01 का मतलब क्या है कि हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल रखा है वो है 0.01, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 99%। अच्छा, अब मैं दोबारा बुक की तरफ जा रहा हूँ, स्टेप थ्री। तो हमने सिर्फ ये लिखना था इसके अंदर कि हमने जो है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने रखा है जी 0.01 ये, और कॉन्फिडेंस कितने कितने परसेंट कॉन्फिडेंट, हम 99% कॉन्फिडेंट होंगे जो भी आउटकम आएगी जी। तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो देखना है कि वो हमने रखा 0.01 या 0.05 या 0.10। थर्ड स्टेप पे चलते हैं, इसमें टाइप वन एरर, टाइप टू एरर जो है इसको हम अभी, इस डिस्कशन को मैं नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि ये एक डिफरेंट जरा डिस्कशन है। हम चलते हैं आगे, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है जी सेलेक्ट दी टेस्ट स्टैटिस्टिक, मीन हमने जो वेरी जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करना है किसी टेस्ट को यूज करते हुए। वो टेस्ट कौन सा होगा जी, वो टेस्ट को हम कहते हैं कि ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो टेस्ट जिसका हमने शुरू में डिस्कशन की कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एंड व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी आ सकती हैं कि हमें एक वो सिचुएशन है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन होगी, और सेकेंड वो सिचुएशन है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। तो जब हमारे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन या अननोन होगी तो टेस्ट में डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस जो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है तो हम टेस्ट यूज करेंगे जी टेस्ट। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो हम जी टेस्ट यूज करेंगे, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी वही है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक होती क्या है, वैल्यू डिटरमिन्ड फ्रॉम सैंपल इंफॉर्मेशन यूज टू डिटरमिन वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हम ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करेंगे वो होंगी पॉपुलेशन की, वैल्यूज होंगी सैंपल की, और सैंपल की वैल्यूज की बेस पे हम देखेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट नहीं हो रहा। फार्मूला नीचे दिया गया है, ये फार्मूला हम जो यूज करेंगे जी, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार क्या होगा, जो हमारा सैंपल का मीन आएगा, म्यू क्या होगा जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2 लाख रुपए। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन होगा। एन क्या है, सैंपल साइज जिसकी बेस पे हमने हाइपोथेसिस के रिजेक्शन या नॉट रिजेक्शन के बारे में हमने डिसाइड करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हम आगे सारा फर्दर हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं स्टेप थ्री लिख रहा हूँ जी, वही एक वर्ड की फाइल के अंदर जो हमने अभी ओपन की थी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है जी, हमारे पास वो जो भी हमने पीछे देखी है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको लिखनी पड़ेगी टेस्ट स्टैटिस्टिक। इंसर्ट में जाके वो यहाँ वर्ड में ज़रा लिखना मुश्किल है, जी इज इक्वल टू हमने ये लिखना है जी एक्स बार, एक्स के ऊपर बार भी लगा रहे हैं साथ ही। ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू, म्यू यहाँ पे है जी म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा ये सिग्मा जी, सिग्मा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर है जी एन। ये फार्मूला है जो हमने इसमें यहाँ यहाँ पे हमने फार्मूला ये यूज करना है। ठीक है, तो ये है जी यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक, हमें सिर्फ यही लिखना है इतना ही।
अब हम जाते रहते हैं स्टेप फोर की तरफ। स्टेप फोर क्या है जी? स्टेप फोर की तरफ हमें बताना है कि डिसीजन रूल क्या है। स्टेप फोर हमें बताना है डिसीजन रूल। अब जो डिसीजन रूल है वो बेस करेगा वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के ऊपर। डिसीजन रूल बेस करेगा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी डिसीजन रूल। हमने बताना है डिसीजन रूल बेस करेगा वन टेल हाइपोथेसिस और टू टेल हाइपोथेसिस के ऊपर। ये लेट सपोज मैं आपको नेक्स्ट एक ये शो कर रहा हूँ। ये है जी यहाँ पास एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें कि हमारे पास दो रीजन है, एक होता है एक्सेप्टेंस रीजन और एक होता है रिजेक्शन रीजन। ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन है इसको अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास ये जो है ना, ये जो एक डार्क एरिया है ये डार्क एरिया कहलाता है रिजेक्शन रीजन, और इस डार्क एरिया से लेफ्ट साइड पे सारा एरिया कहला रहा है एक्सेप्टेंस रीजन। किसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन? यहाँ पर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का जो वर्ड है ये यूज हो रहा है नल हाइपोथेसिस के साथ। रिजेक्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस होगा, एक्सेप्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन किसकी? रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस की। मीन्स अगर टेस्ट की वैल्यू जो है, अगर टेस्ट की वैल्यू इस रिजेक्शन रीजन में आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अगर टेस्ट की वैल्यू इस एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो डार्क लाइन हमें नजर आ रही है ये है रिजेक्शन रीजन। किसकी रिजेक्शन? नल हाइपोथेसिस की। मींस अगर जी टेस्ट की वैल्यू जो हम निकालेंगे अगर वो इस रीजन में फॉल करेगी, मींस अगर 1.65 यहाँ लिखी हुई है, 1.65 जो है एक क्रिटिकल वैल्यू है। अगर हमारी टेस्ट की वैल्यू जी टेस्ट की इस 1.65 से ज्यादा आएगी तो वो इस रीजन में फॉल करेगी जो कि रिजेक्शन रीजन है, तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस है और रिजेक्ट हो गया। अगर हमारी जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि हमने सैंपल से निकाली, फार्मूले से निकाली जी टेस्ट की वैल्यू, अगर वो 1.65 से कम है इस रीजन में फॉल कर रही है तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। इट मीन्स जो हमने स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस में दी है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पे हमने यहाँ पे एक बनाई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जी टेस्ट की ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी टेस्ट की, जिसके अंदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन हमने यहाँ पे शो किया है। अब यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि ये जो रिजेक्शन रीजन है सिर्फ राइट साइड पे है। जब रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक साइड पे हो, ये रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे भी होना चाहिए अगर हमारे पास टू टेल्ड हाइपोथेसिस है। अगर टू टेल्ड हाइपोथेसिस है तो रिजेक्शन रीजन दो तरफ आएगा, राइट और लेफ्ट दोनों पे। अगर वन टेल हाइपोथेसिस है तो रिजेक्शन रीजन सिर्फ वन साइड पे आएगा, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। वो हम देखते हैं कि क्यों आएगा, राइट या लेफ्ट पे। तो बहरहाल ये है डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन क्राइटेरिया के अंदर जब वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, जब वैल्यू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास है डिसीजन रूल। ये है जी स्टेप फोर, जिसके अंदर हमने कहा कि स्टेप फोर क्या है, डिसीजन रूल है। अब डिसीजन रूल के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे थ्री डिफरेंट जो है वो फिगर्स आपको शो की हैं। ये सारी जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पहली जिसके ऊपर लिखा हुआ टू टेल, टू टेल के अंदर आप देखें दोनों डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, दोनों डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है इस टू टेल के अंदर आपको रिजेक्शन रीजन। दोनों डायरेक्शन में रिजेक्शन रीजन आने का मतलब ये है कि वैल्यू जो है, जारी बात है कि अगर ये 1.96 लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, अगर वैल्यू 1.96 से बड़ी आती है तो राइट साइड पे रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाएगी, अगर वैल्यू 1.96 से छोटी आती है तो ये लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाएगी। किसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं? जो हमारी ये ऊपर दिए गए फार्मूले से निकलेगी। इस फार्मूले में जारी बात है हम वैल्यूज पुट करेंगे, उससे फिर एक आंसर आएगा। वो आंसर अगर 1.96 से ज्यादा है तो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा, अगर -1.96 से स्मॉल है तो भी रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा, अगर इसके बिटवीन में है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है, या ये इसे कहते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ये रीजन है। तो ये है टू टेल टेस्ट के हवाले से ये डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहाँ वन टेल टेस्ट की, लेफ्ट टेल टेस्ट की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर राइट टेल टेस्ट की। इसमें आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पे, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक ही साइड पे क्यों है, इसका क्या मतलब है। तो खैर फिलहाल
हम इस एग्जाम्पल को लेके चल रहे थे जो हमने ऊपर एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा जी 0.01। अगर आप जी टेस्ट की वैल्यू देखें 99% पे या 0.01 पे, अगर आप जी टेस्ट की वैल्यू देखें 99% पे उसी जी टेस्ट के टेबल से, तो ये क्या वैल्यू थी? 2.58। जी टेस्ट की वैल्यू हमारे पास उस टेबल के अंदर जो जी का टेबल था उससे अगर आप 99% पे देखें 0.99 पे, तो ये वैल्यू आई थी 2.58। 0.99 को आप 2 पर डिवाइड करते थे, वो टेबल में सर्च करते थे वैल्यू को, फिर देखते टू थे। पॉइंट हाँ, फाइव एट 2.58 आपके पास आई थी, ये जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू, वो जो टेबल से निकलेगी उस वैल्यू को हम कहा करेंगे कि वो टेबुलेटेड वैल्यू है। टेबुलेटेड मीन्स टेबल से निकाली गई, या फिर वो है क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ये जो मैं सामने आपको एक डायग्राम फिगर यहाँ पे शो कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू है 2.58। 2.58 का मतलब है कि वो है प्लस माइनस 2.58, वो वैल्यू है प्लस माइनस 2.58। प्लस माइनस 2.58 का मतलब ये है कि ये जो 1.96 लिखा हुआ है, इस 1.96 की मैं लिखूंगा प्लस 2.58, और ये लिखा हुआ माइनस 1.96, ये माइनस 1.96 की जगह मैं लिखूंगा माइनस 2.58। तो ये हमारे पास राइट साइड पे भी हमने लिख दिया कि राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड पे जी की नेगेटिव वैल्यू आती है। और रिजेक्शन रीजन क्या बन गया कि अगर जी टेस्ट की वैल्यू प्लस 2.58 से ज़्यादा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर जी टेस्ट की वैल्यू माइनस 2.58 से कम है तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन है नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की, अगर वो 2.58 से ज़्यादा हो या माइनस 2.58 से वैल्यू कम हो, तो इन दो सिचुएशन में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्टेप 4। ठीक है, इस स्टेप 4 में हमें सिर्फ ये डिसीजन रूल बताना है जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी हम सिर्फ टू टेल टेस्ट के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, वन टेल को हम जरा जब न्यूमेरिकल आएगा हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम देखते हैं कि हमने डिसीजन देना है कि डिसीजन क्या है। डिसीजन वो आया है कि जो जी टेस्ट की वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट करने के बाद जी टेस्ट की एक खास वैल्यू आई, वो वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, हमारा डिसीजन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं अब सपोज करता हूँ दोबारा वर्ड की फाइल ओपन करके उसमें हम इसको ज़रा देखते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है स्टेप 4 है, इसके बाद आता है जी स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर हमने क्या देना है? डिसीजन कि हमने जी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस फार्मूले से। जो जी टेस्ट की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी उसे हम कहेंगे कि ये है जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हमने इसे खुद से कैलकुलेट किया है इसलिए ये कहलाई जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू। फार्मूले में एक चीज जरा गलत है, इसको मैं जरा अभी ठीक कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना साइन जो है जो आ रहा है ये इसका वो जरा गलत दिया हुआ है, मैं इसको अभी जरा ये ऊपर जो है बार सारा लग गया है, जबकि बार जो है ये सिर्फ आना चाहिए एक्स के ऊपर बार आना चाहिए। तो बाकी जो है मैं बार जो है इसे खत्म कर देता हूँ इधर से, सारी वैल्यू ही खत्म करनी पड़ेगी। यहाँ आ गया एक्स और माइनस ये आ गया जी म्यू। अब ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमने वैल्यू सारी पुट की, यहाँ पे जी टेस्ट की वैल्यू आ गई, यहाँ लिखता हूँ सपोज करके जी इज इक्वल टू आ गया जी 2.92। अभी 2.92 की वैल्यू अगर हम देखें तो इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ फॉल कर रही है? 1.96 से ज्यादा है, 1.96 से
ज्यादा है ये वैल्यू 2.92। तब हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट, क्योंकि 2.92 रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू है 2.58। तो अब हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर हम इसको रिजेक्ट कर दें तो हम इसका क्या कंक्लूड करेंगे कि ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट नहीं हुआ। कंक्लूड क्या करेंगे, हमारा कंक्लूजन ये होगा, डिसीजन के अंदर हम लिखेंगे कि एवरेज सैलरी ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज नॉट इक्वल टू ₹2 लाख। ये हमने जी फिर ये डिसीजन दे दिया, 2 लाख पर मंथ, ये हमारा डिसीजन आ गया उसकी बेस पे जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 किया। अभी हमने ये सारा कुछ किया है डेटा के बगैर, तो जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो हम सारी कैलकुलेशन जो है वो डेटा के थ्रू करके फिर हम ये सारी चीजें करेंगे। तो हमने ये सिर्फ अभी ये देखा है कि 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। अब हम दोबारा जाते हैं, अब ये है जी स्टेप 5। तो ये हमारे पास सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर जिसको हमने यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आज हमने सिर्फ इतना ही करना है कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कितनी तरह का होता है, 1 टेल 2 टेल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या हैं, तो हमने 5 स्टेप्स जो हैं उसके देखे हैं।